Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. आज से ही आसन इंद्रासन नहीं शुंभासन के नाम से जाना जाएगा। आज से देवराज भी मैं ही हूं। देवराज शुंभ की, देवराज शुंभ की, देवराज शुंभ की, देवराज शुंभ की। सबका सम्राट हूं मैं, छल से नहीं तो बल से सही। जो प्राप्त करना चाहता हूं उसे प्राप्त कर ही लेता हूं मैं। देवताओं, जो कुछ भी तुम्हारा है सब कुछ मेरा हो चुका है। छीन कर किसी वस्तु को प्राप्त करने में जो परम आनंद मिलता है उसका वर्णन तो असंभव है ना? अब मेरे सेनापति अपना अपना आसन ग्रहण करेंगे। अब स्वर्ग मेरा, स्वर्ग की संपत्ति मेरी, तो अमृत भी मेरा ही हुआ ना? क्यों इंद्रदेव? तुम कुछ भी कर लो दुष्ट असुर, अमृत तक तुम कदापि नहीं पहुंच पाओगे। अमृत कहां छिपा के रखा है इन धूर्त देवताओं ने? अमृत प्राप्त करोगे तुम? क्या समझते हो अमृत प्राप्त करना इतना सरल है? दुष्ट, रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। तुम सभी देवताओं को मैंने स्तंभ पर बांध रखा है लेकिन अब तक तुम सभी का अहंकार नहीं मिटा। महाराज शुंभ, इस व्यर्थ के वार्तालाप का अब कोई लाभ नहीं। आपको स्मरण है कि जब आपने इन देवताओं को अपने राजभवन में आमंत्रित किया था तो असुरी नारियों ने कितना मनोरंजन किया था इन देवताओं का। हाँ, किया तो था और उस मनोरंजन में इंद्र को कितना आनंद आया था। अब हम स्वर्ग में हैं, इसलिए उचित नहीं होगा देवराज कि स्वर्ग की नारियां भी हमारे नवीन महाराज के लिए नृत्य गायन का आयोजन करें। ये दुष्ट अब हमारी स्त्रियों का अपमान करना चाहता है। वाह भ्राता निशुंभ, तुम्हारा ये उत्तम सुझाव है। स्वर्ग की देवियों का भी उनके नवीन महाराज के प्रति कोई दायित्व है। जब स्वर्ग ही मेरा है तो यहाँ की देवियों पर भी मेरा ही अधिकार हुआ ना? अवश्य भ्राता, अवश्य। हाँ देवराज शुंभ, कैसी दृष्टता है यहाँ की स्त्रियों की, अपने नए देवराज का स्वागत तक करने नहीं आई और ना ही कहीं दिखाई दे रही है। तो क्या अमृत के साथ साथ अपनी देवियों को भी छुपा के रख रखा है इंद्र ने? सेनापति निशुंभ, हमारे सैनिकों को आदेश दो कि उन देवियों को ढूंढ कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। इंद्रदेव,
मैं तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उनका अपमान करूंगा और फिर तुम मुझे बताओगे कि अमृत कहाँ है। इतना साहस तुम्हारा? ऐसा कदापि नहीं कर सकोगे तुम। महाराज शुंभ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उन देवियों को खींच कर लाता हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। देवी सची, देवी सची यहाँ क्यों आ गई? देवी सची! नहीं, स्वामी एवं अन्य देवताओं की ऐसी दुर्दशा करती है इन असुरों ने। इस दुष्ट के जाल में फंसने के लिए आप यहाँ क्यों आई है देवी सची? यह है इंद्रदेव की पत्नी सची। इंद्रदेव, आपने बताया नहीं आपकी पत्नी अद्भुत सुंदरी है। अद्भुत, अद्भुत। यदि इसके पूर्व मुझे ज्ञात होता तो मैं इन्हें अपनी राज्यसभा में अवश्य आमंत्रित करता। हाँ देवराज, इतनी सुंदर स्त्री के आगमन से तो हमारे राज्यसभा की शोभा और बढ़ जाती है। दुष्ट असुर, शांत हो जाओ। देवी सची, इस दुष्ट के मुख से मैं आपके प्रति ऐसे वचन कदापि नहीं सुन सकता। आप चले जाइए यहाँ से, जाइए। अरे रे रे रे, कैसे चले जाएंगे आप? हम तो मनोरंजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारा मनोरंजन तो आपके रूप में प्रविष्ट हुआ है, तो हम आपको कैसे जाने देंगे? दंभी असुर, स्वामी एवं अन्य देवताओं को मुक्त करो। अवश्य करूंगा, अभी और इसी क्षण करूंगा, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरा बंदी बनना होगा। निर्लज्ज दुष्ट, दृष्टता की भी सीमा होती है। मुझे मुक्त करके देख, फिर मैं तुझे कैसा पाठ सिखाता हूँ। इंद्रदेव, अपने स्वर नीचे करो। अब तुम देवराज नहीं रहे, मात्र तुझ हमारे बंदी हो। ए सची, मैं तुच्छ नारियों से विवाद में नहीं पड़ता। तुमने छुपा के रखा है ना, मेरे सामने लेकर आओ। चलो जाओ यहां से। उचित आदेश दिया है देवराज शुम ने इसे। क्या हुआ गणेश? भैया, स्वर्ग में देवगण एवं माताएं संकट में हैं। हमें शीघ्र देवताओं की सहायता के लिए जाना होगा। मात्र देवगण ही नहीं, उसके पूर्व हमें माताओं की भी रक्षा करनी होगी। अनुज भैया, माताओं की चिंता ना करें, क्योंकि जब स्त्री शक्ति जागृत होती है तो कोई असुर उसके समक्ष टिक नहीं सकता। देवराज के सिंहासन पर बैठकर स्वयं को अत्यंत ही महान समझ रहे हो ना तुम? किंतु कदाचित तुम ये भूल रहे हो
कि ये सिंहासन ना तो पहले तुम्हारा था और ना ही तुम्हारा कभी होगा। तुम क्या समझते हो तुम प्रथम असुर हो जिसने स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की? अरे कितने असुर आए, कितनों ने प्रयत्न किया परंतु मृत्यु के सिवाय उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अपने पूर्वजों से कुछ नहीं सीखा क्या तुम असुरों ने? आनंद आता है क्या बार बार पराजित होने में? कितनी बार पराजय हुई तुम्हारी, किंतु समझ में नहीं आया तुम्हें कि स्वर्ग पर तुम कभी अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकोगे। अपने इन विचित्र सेनापतियों के साथ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर यहाँ आ तो गए हो, किंतु सत्य है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अनेकों बार देख चुके हैं हम, क्योंकि जब तुम्हारा अंत पुकारता है तो तुम असुर इसी प्रकार स्वर्ग लोक आ जाते हो। अब तुम सभी का अंत समय आ गया है। माँ महाशक्ति तुमसे इस प्रकार का व्यवहार करा रही है ताकि वो यहाँ आकर तुम सभी का वध कर सके। ए, तुच्छ नारी, बहुत बोल चुकी हो तुम। बहुत कहा, अभी तो मात्र आरंभ है। माँ महाशक्ति चाहती तो अभी तुम सभी का अंत कर सकती थी, किंतु नहीं, वे सदैव सभी को सुधरने का एक अवसर अवश्य देती है। इसलिए मेरे माध्यम से वो तुम्हें चेतावनी दे रही है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम शांत रहकर मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। क्या कहा था तुमने? तुच्छ नारी, नारी को तुच्छ समझने वाले ये मत भूलो कि तुम्हारा जन्म भी एक नारी से हुआ है, और ये स्मरण रखना कि तुम्हारा संहार भी एक नारी ही करेगी। और यदि तुम्हें इसमें कोई भी संदेह है तो अपने पूर्वज महिषासुर का स्मरण करो कि किस प्रकार जगत जननी ने उस महिषासुर का भयंकर वध किया था। इतना तो साहस तुम्हारा? ए नारी, इस अनर्गल प्रलाप से मेरा समय व्यर्थ मत करो। मैं यहाँ तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। देखो ऊपर, देखो तुम्हारे देवता किस तरह बंधे हुए हैं। देखो चारों ओर दृष्टि घुमा कर देखो। यहाँ का राजा मैं हूँ, ये तुम्हारे स्वामी का राजभवन नहीं, ये मेरा राजभवन है। और मेरे सैनिक भीतर और बाहर रह के यहाँ की रक्षा कर रहे हैं। अब मैं हूँ देवराज, किंतु तुम चिंता मत करो, देवरानी के पद पर तुम ही स्थित रहोगी। आओ मेरे निकट आकर अपना स्थान ग्रहण करो। वाह वाह, बड़ी सौभाग्यवती है देवी शची, इतना कुछ होने के बाद भी महाराज शुम ने अपने निकट बैठने की अनुमति दी है आपको। अरे
जाइए देवी, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, जाइए। किस विचार में मग्न हो तुम? अंततः तुम सभी स्त्रियों की एक ही अभिलाषा होती है, एक शक्तिशाली पुरुष का संरक्षण। तो कहो, तुम यहां स्वयं आती हो या अपने सेनापतियों को आदेश दूं कि वो तुम्हें यहां खींच कर लेकर आए? दम भी असुर, ना तो तुम मुझे बंदी बना सकते हो और ना ही स्वर्ग की अन्य नारियों को, क्योंकि हमारी रक्षक तो स्वयं जगत जननी है। बस बहुत हुआ ये जगत जननी के नाम का उच्चारण। तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी महाशक्ति पर? अहंकार तो तुम्हें है दुष्ट, मुझे तो विश्वास है अपनी माता मां शक्ति पर। और जिन माता जगत जननी का तुम नाम इतनी उदंडता से ले रहे हो, ये मत भूलो कि वो तुम्हारी भी माँ है। और हम नारियों पे जो तुमने कुदृष्टि डालने का अपराध किया है, उसका भी दंड अवश्य ही मिलेगा तुम्हें। तो क्या करूं मैं? तुम सभी नारियों की क्या आरती उतारूं? और अगर इतना विश्वास है अपनी माता पर, तो सभी नारियां छिपकर क्यों बैठी हैं? छिपकर कोई नहीं बैठी है शुंभ, तुम यही ज्ञात करना चाहते हो ना, स्वर्ग लोक की अन्य नारियां कहाँ हैं? वो सभी माता के मंदिर में हैं। देवी सची, ये क्यों बता रही हैं आप इस दुष्ट को? नारी को तुच्छ समझने वाले, मैं नारी होकर तुझे चुनौती देती हूँ। स्वर्ग की किसी भी स्त्री को तू स्पर्श नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है अपनी माता पर। माता हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। यदि साहस है तो हमें बंदी बनाकर दिखाओ शुंभ। इतना दुस्साहस इसका? मारा शुंभ को चुनौती देकर जा रही है? रुक जा निशुंभ, जाने दो उसे। नहीं भ्राता, उचित नहीं है ये। या तो इसको स्तंभित कीजिए अथवा मुझे इसको खींचकर लाने की अनुमति दीजिए। उसने मुझे चुनौती दी है, अब मैं उसे दिखाऊंगा एक पुरुष का बल क्या होता है। असुरों और देवताओं का अधिपति मैं ही हूं, स्वर्ग की देवियों का मैं अहंकार भंग करूंगा, उन्हें अपनी सेविकाएं बनाऊंगा। चलो मेरे साथ। उचित है भ्राता शुंभ, इसके अपराध का दंड तो इसे अवश्य मिलना चाहिए। स्वर्ग की नारियों का अपमान कदापि नहीं सह सकता मैं। मुझे इस बंधन से मुक्त होना ही होगा। देवराज होने के नाते देवियों की रक्षा का दायित्व निभाना ही होगा, मुझे निभाना ही होगा। हाँ देवराज, इस दीनहीन अवस्था में हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में भी असमर्थ हैं। धिक्कार है हम पे, ये कैसी विवशता है हमारी। हम यहाँ बंदी बने और वो दुष्ट देवियों को अपमानित करने गए हैं। देवगण, हम विवश अवश्य हैं, किंतु आदि शक्ति माँ की शक्ति नहीं, इन असुरों का माता के समक्ष टिक पाना असंभव है। अब हमारा और देवियों का माता ही सहारा है, और वो अपने भक्तों को कदापि निराश नहीं करेगी। देवियों की रक्षा माता अवश्य करेंगी।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता, हे देवी शक्ति, आप देवी शची और अन्य सभी देवियों की रक्षा कीजिए। हम पर कृपा कीजिए माता, दया कीजिए हम पर। माता, हम सभी देवियां आपकी शरण में हैं। मुझे विश्वास है आप मेरी प्रार्थना का मान अवश्य रखेंगी, हमारी रक्षा अवश्य करेंगी आप। अभी ज्ञात हो जाएगा कि स्वर्ग की देवियां कहां छुपी हुई हैं। चाहे जैसी भी हो, व्यक्ति को स्वयं के प्रयास के साथ ईश्वर को भी स्मरण करना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।